व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सभी। आप देख रहे हैं जिम फिटनेस। आज एक और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, एक और सप्लीमेंट के साथ, एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि आजकल इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, मिडिल ईस्ट की जो मार्केट, हमारी मार्केट है, जो एशिया की मार्केट है, इसमें इतना छाया हुआ है कि हर दूसरे बंदे का जनाब ये डिमांड है कि ए प्रोटीन कल तो मिलेगा, ये प्रोटीन आपके पास अवेलेबल है, इसके कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो आज इस प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो केविन लेब्रॉन का एनाबॉलिक आइसो वे फूड सप्लीमेंट वे प्रोटीन आइसोलेट, इस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, इसके न्यूट्रिशन फैक्टर में क्या है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उन्होंने मेंशन की जो इस प्रोडक्ट को अच्छा बनाता है, इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है, इसकी प्राइस कैसी है, इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है मार्केट में, और एक कैसा प्रोडक्ट है, और कंपनी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे लाती हूँ ताकि वीडियो आपको कैसी लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं केविन लेब्रॉन जो है ये कौन है। केविन लेब्रॉन एक अच्छे हमारे ओलंपिया के रनर अप रह चुके हैं कई बार, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आज तक वो मिस्टर ओलंपिया नहीं हो चुके। उनकी एक पहले सीरीज, उन्होंने पहले एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिस पर उन्होंने कपड़े, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट एसेसरीज, बॉडी बिल्डिंग एसेसरीज, जैसे वेट लिफ्टिंग बेल्ट होगी, ग्लव्स होगी, जूते हो गए, वेट लिफ्टिंग जूते हो गए, इस तरह के उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे काफ़ी बड़े। लेकिन उसके बाद उन्होंने सप्लीमेंटेशन भी रेंज लॉन्च कर दी, रोनी कोलमैन की सिग्नेचर सीरीज देकर उन्होंने भी एक अपनी एक सिग्नेचर सीरीज लॉन्च कर दी। इनकी सिग्नेचर सीरीज में दो सीरीज हैं, एक ब्लैक सीरीज है और एक गोल्ड सीरीज है। जो आज इस हम की बात कर रहे हैं वो है ब्लैक लाइन की, ब्लैक सीरीज की सिग्नेचर केविन लेब्रॉन की। जनाब ये जो एनाबॉलिक वे आइसो वे है, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ वे प्रोटीन आइसोलेट है, एडवांस मसल बिल्डिंग प्रोटीन है, जो कि वाकई है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ एनाबॉलिक आइसो वे ब्लेंड, 85% प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी है। प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी इसको बोलते हैं कि एक स्कूप के अंदर आपका प्रोटीन का कंटेंट कितना आ रहा है, और कितनी बेकार चीज़ें, कितना एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और प्रोटीन कितना है। 100 में से 85% एक स्कूप के अंदर आपका इसमें आपका प्रोटीन आता है। उसमें लिखा हुआ 600 mg BCCA लिखा हुआ है, 500 mg लिखा हुआ, DEA लिखा हुआ है, ठीक है, डी एस्पिक एसिड बोलते हैं इसको। मेरे पास जो वनीला फ्लेवर है, वनीला है, एक्सपायरी डेट इसकी 2025 में, 3/2025 में है, बहुत टाइम है। नीचे ने लॉट नंबर लिखा हुआ है, रेफर नंबर लिखा हुआ है, बार कोड लिखा हुआ है। इसका 2 kg वेट है और इसके अंदर 69 सर्विंग्स आती हैं, और एक स्कूप जो है वो हमारा 30 ग्राम का है। और इसमें हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें ऐड की हैं वो क्या दी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन फैक्टर पे, न्यूट्रिशन फैक्टर पर बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले जो फैट है वो है, इन्होंने दो मेंशन किए हुए हैं, 30 ग्राम और 100 ग्राम। हमें 30 ग्राम में देखेंगे एक स्कूप में कितना आ रहा है। अच्छा जी, एनर्जी कितनी है, एक स्कूप में 113 कैलोरीज हैं एक स्कूप में 30 ग्राम के। फैट कितना है, 0.8 ग्राम। सैचुरेटेड फैट कितना है, 0.5 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट 0.9 ग्राम, जो कि लेस देन 1 ग्राम है, बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा शुगर जो है लेस देन 1 ग्राम। प्रोटीन जो है 25.5 है, जो कि 85% बनती है, जो पहले मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा साल्ट है 0.14 ग्राम। उसके बाद क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जिसे ली हुई है वो 3000 mg, जो कि उसमें प्रॉपर जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है वो इसमें 2520 mg। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्या करती है, आपके मसल को हाइड्रेट करती है, APDs प्रोड्यूस करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, मसल लॉस होने से प्रिवेंट करती है, मसल ग्रोथ में हेल्प करती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आपका जो मसल में ब्लड ऑक्सीजन लेवल है उसको बेहतर करती है, आपके मसल को हाइड्रेट रखती है, आपकी बॉडी को ओवरऑल हाइड्रेट रखती है। और कोई ऐसी रिसर्च अभी तक प्रूवन नहीं है कि ये वाटर होल्ड करती है, कि ये फ्लाँ हो जाएगी, गुर्दे फेल कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बुलशिट है। तो इस पर आपने कोई फोकस नहीं करना कि जी गुर्दे फेल हो जाएंगे, फ्लाँ जी, क्रिएटिन तो बड़ी गलत चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं क्रिएटिन क्या चीज़ है तो इस ऊपर लिंक के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको डिटेल रिव्यू मिल जाएगा कि क्रिएटिन क्या है, कैसे काम करती है, किसको लेना कितना ज़रूरी है, और उसको नेचुरल सोर्स से हम कैसे लेते हैं। अब बैक टू प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट वापस आते हैं। उसके अलावा एक चीज़ है टूरिन जो है वो है 1000 mg यानी 1 ग्राम। अच्छा, टूरिन जो है वो करती ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर करती है, हमारे नर्वस सिस्टम की जो हेल्थ है उसको मेनटेन करती है, हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो बाद नीचे लास्ट में प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो डी एस्पेक्ट है, डी है वो है 500 mg। ये एक प्रूवन रिसर्च है कि डी ए जो है, डी एस्पेक्ट एसिड जो है, ये ए जो कि मिडिल एज के मैन होते हैं उन्हें अगर 3000 mg तक वो लेते हैं तो उनकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है, और सेकंडली उनका स्पर्म काउंट भी इंक्रीज़ होता है, और उनको टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में और उनकी हार्मोन बूस्टिंग में ये बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, उसके बाद नीचे अमीनो एसिड की प्रोफाइल लिखी हुई 100 ग्राम के अंदर, जनाब एल्यूसीन है, एल वेलिन है, एल
एस्पिक एसिड लिखा हुआ है, एल्सिरीन है, ये सारे नीचे लिखे हुए, इनको भी ये ऑलरेडी प्रोटीन में कोई भी लेते हैं उसमें ऐड होते हैं। अच्छा, इसमें इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स के हैं वे प्रोटीन आइसोलेट फ्रॉम मिल्क, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, क्यूटूरिन है, इंस्टेंट कॉफ़ी है, वो डिपेंड करता है फ्लेवर कौन सा आपका, डी एस्पिक एसिड है, थिकनर गम है, केकिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग है, ये चीज़ें हैं। इसके अंदर पाँच फ्लेवर आते हैं, जो पाँच के पाँच फ्लेवर नीचे मैं मैंशन कर दूँगा, जो कि मेरे ख्याल में बंटी है, वो है वनीला फ्लेवर है, वो कुकीज़ एंड क्रीम है, चॉकलेट है, और एक और फ्लेवर है। ये पांचवा फ्लेवर आपको मेंशन कर दूंगा। अब इसको अनबॉक्सिंग की बात, इसको आप खोलेंगे तो ऊपर एक सील आएगी जिसके ऊपर केविन लेब्रॉन सिग्नेचर सीरीज़ है, वो आप काटेंगे तो सील अलग हो जाएगी। तो जब इसका आप ढक्कन खोलेंगे तो नीचे आपको एक सील फॉर प्रोटेक्शन एक मिलेगी, जो कि इसको एयर लॉक करने में हेल्प देती है ड्यूरिंग आपका जब ये कार्गो हो रहा होता है, शिफ्ट हो रहा होता है। और सेकंडली इसके नीचे आप अगर स्कूप देखेंगे तो वाइट कलर का 30 ग्राम का स्कूप है। मिक्सिबिलिटी इसकी ज़बरदस्त है, टेस्ट इसके ज़बरदस्त है, फ्लेवर इसके ज़बरदस्त है। आप इसको यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से 17,000 के दरमियान है, दिए दो 2 kg की पैक की, इसमें 2 kg पे ही पैक आता है। तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आपको ये चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ये चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करें जिम के फौरन बाद, इसको एज आ एक पोस्ट वर्कआउट ऐड करें। आइसोलेट प्रोटीन है, अच्छा प्रोटीन है, इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं है, क्योंकि ये 100% जो बना हुआ है वे प्रोटीन आइसोलेट से बना हुआ है, तो इसमें हाइड्रोलाइज नहीं है, लेकिन इसमें आइसोलेट अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, साथ साथ कमेंट सकते हैं, मुझे लाजमी बताया कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।